रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये लास्ट वीडियो है, ओके तो पहले तो कुछ रिवाइज करते हैं जो हम लोगों ने पहले ही सीखा था, ओके देखो ये तीन रूल हम लोगों ने देखे थे। जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो रिफ्रेक्टेड रे कहां पे झुकता है, नॉर्मल की तरफ झुकता है, ओके देखो ये मैंने तुम लोगों को बताया था, ओके ये रेयरर मीडियम का एग्जाम्पल ले लो एयर और डेंसर का वॉटर, ओके ध्यान दो एकदम। पहला रूल क्या है, पहला रूल बोलता है कि जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, देखो ये इंसिडेंट रे आ गया, ओके और ये तुम्हारा नॉर्मल लाइन हो गया, ये तुम्हारा नॉर्मल लाइन है। जब तुम्हारा लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो रिफ्रेक्टेड रे कहां पे झुकता है, नॉर्मल की तरफ झुकता है, ओके मतलब वो नॉर्मल के करीब आ जाता है, ये पहला रूल है। व्हेन लाइट रे पासिस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम रिफ्रेक्टेड रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब वो ये नॉर्मल की तरफ झुकने लगता है। कब, लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तब। मैंने एग्जाम्पल दिया एयर से वॉटर में, अभी रेयरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है ये मैंने तुम लोगों को बताया था। एग्जाम्पल एक नॉर्मल एग्जाम्पल भी देता हूं, तुम लोग नॉर्मली जब अर्थ सरफेस पे दौड़ते हो तो तुम्हारा स्पीड ज्यादा होता है, सही है, तो अर्थ सरफेस पे एयर है मतलब तुम लोग एयर में से दौड़ रहे हो ऐसे समझ लो, और वही तुम लोग जब पानी में से दौड़ोगे तो तुम्हारा स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। एक एग्जाम्पल याद रखना। रेयरर मीडियम होता क्या है, देखो याद रखना, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है एयर। एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, इसीलिए उसे रेयरर मीडियम बोला गया है, ओके इसीलिए एयर फास्ट फ्लो होता है। एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, और वॉटर में जो पार्टिकल्स होते हैं कंपैरेटिवली नजदीक होते हैं, सारे पार्टिकल्स कंपैरेटिवली नजदीक होते हैं किससे, एयर से, इसलिए उसे डेंसर मीडियम बोला गया है। या और एकदम इजीली बताना चाहू तो डेंसर मीडियम मतलब ऐसी चीज जो ज्यादा भरी हुई है, ओके जो ज्यादा भरी हुई है वो होगा डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम मतलब क्या, वो ज्यादा भरी हुई नहीं है, और भरी भी है तो जो भी भरा है वो बहुत दूर दूर है, जैसे एयर, एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं लेकिन वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, ओके तो डेंसर मीडियम एंड रेयरर मीडियम तुम लोगों को समझा रहेगा। डेंसर मतलब क्या, जो ज्यादा भरा हुआ है, एग्जाम्पल पानी है ना, पानी में जो कुछ भी भरा होता है वो एकदम नजदीक होता है इसीलिए लिक्विड फॉर्म में दिखता है हमें। एयर, एयर में भी पार्टिकल्स होते हैं लेकिन वो कम भरे हुए होते हैं या एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं इसलिए उसे रेयरर मीडियम बोला गया है। तो पहला रूल मैंने तुम लोगों को सिखाया कि जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, देखो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, ये हुआ तुम्हारा इंसिडेंट एंगल आया, ये एंगल आए। इंसिडेंट मतलब क्या, लाइट रे गिरना, ये देखो लाइट रे गिर रहा है इसीलिए इसे बोला गया है इंसिडेंट रे, ओके रेयरर से डेंसर में लाइट जा रहा है तो ये रे देखो उसने अपना रास्ता बदली कर दिया, ये जो लाइट रे उसने अपना रास्ता बदली कर दिया, वो नजदीक आ गया, देखो इसके नजदीक आया नॉर्मल के, ये नॉर्मल लाइन है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, नॉर्मल लाइन होती है, तो ये जो रिफ्रेक्टेड रे नॉर्मल के नजदीक आ गया, सही है, तो ये तुम्हें बोला जाएगा इसे रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो एंगल होगा ये एंगल होगा आर, ओके रिफ्रैक्टेड एंगल, और ये आई इंसिडेंट एंगल। तो पहला रूल क्या बोलता है, जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के पास आ जाती है ना, ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल है, ये वाला स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हुआ नॉर्मल, इसके पास आ गया, देखो रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हुआ पहला रूल। सेकेंड रूल देखते हैं, सेकेंड रूल, ओके अभी हम लोग सेकेंड रूल देखेंगे। अभी देखो ये हुआ इंसिडेंट रे, ओके ये हुआ एंगल आई और ये हुआ इंसिडेंट रे,
अभी डेंसर टू रेयर, अभी देखो उल्टा, हम लोगों ने पहले क्या देखा, रेयर टू डेंसर मतलब एयर टू वाटर, एग्जाम्पल एयर टू वाटर, अभी उल्टा करते हैं वाटर टू एयर, ओके, मतलब पानी में से हवा में जा रहा है, रे कहां से जा रहा है, पानी में से हवा में, तो देखो क्या होगा, बेंड्स, ओके, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल आर, ओके, तो देखो हुआ क्या, जब लाइट रे डेंसर टू रेयर मीडियम में जाता है, मतलब वाटर टू एयर जा रहा है, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये देखो नॉर्मल से बहुत दूर चला गया, है ना, उल्टा हो गया। तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि जब कोई लाइट रे इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर में आती है, आर टू डी, है ना, रेयर टू डेंसर, तो रिफ्रैक्टेड रे कहां पे बेंड होता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये चीज याद रखनी है, पहला रूल देखो, ये रिफ्रैक्टेड रे है, किसके पास आई, वो नॉर्मल के पास आ गई, पहला रूल। दूसरा रूल क्या, उल्टा कर दो, सारी चीजें उल्टी कर दो, अभी लाइट रे तुम्हारा डेंसर टू रेयरर जा रहा है, डेंसर टू रेयरर, तो ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल लाइन है, ये रिफ्रैक्टेड रे उसके दूर चला गया, है ना, नॉर्मल से दूर चला गया, इसे बोलेंगे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसे हम लोग बोलेंगे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है उससे वो दूर चला गया, सही है ना, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये चीज तुम्हें याद रखनी है। थर्ड रूल देखो, अगर लाइट रे तुम्हारा नॉर्मल पे गिरता है, सीधा समझो यही पे गिरता है, तो कोई भी रिफ्रैक्शन होता है लेकिन पाथ चेंज नहीं होता। देखो यहां पे लाइट रे, देखो यहां पे नॉर्मल है ना, नॉर्मल कहां पे होता है, स्ट्रेट, तो लाइट रे समझो ये नॉर्मल में ही गिर गई, तो रिफ्रैक्शन तो होता है लेकिन पाथ चेंज नहीं होता लाइट का, सीधा चले जाता है लाइट, वो थर्ड रूल है, समझा, तीनों रूल समझा, तीनों रूल अच्छे से समझा, ये चीज तुम्हें याद रखना है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैं अभी तुम्हें सिखाने वाला हूं, उसके लिए ये रूल्स तुम्हें मालूम रहना जरूरी है, इसीलिए मैंने इसको रिवाइज किया है। अभी हम लोग देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ओके, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके, चलो, व्हेन लाइट एंटर्स अ रेयरर मीडियम फ्रॉम अ डेंसर मीडियम इट गेट्स पार्शियली रिफ्लेक्टेड, दैट इज पार्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड एंड कम बैक इनटू द डेंसर मीडियम एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो स्टार्टिंग में क्या बोला है, व्हेन लाइट एंटर्स अ रेयरर मीडियम फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, मतलब क्या है ये स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, पहले देखो होता क्या है, ये स्टेटमेंट का मीनिंग पहले बता रहा हूं, देखो व्हेन लाइट रे एंटर्स अ रेयरर मीडियम, मतलब लाइट रे किस में एंटर कर रहा है, लाइट रे रेयरर मीडियम में एंटर कर रहा है, फ्रॉम ए डेंसर मीडियम, मतलब डेंसर मीडियम से लाइट रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो होगा क्या, देखो समझो, ये है तुम्हारा रेयरर मीडियम, ये है तुम्हारा डेंसर मीडियम, तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि लाइट रे कहां से कहां जा रहा है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो समझो लाइट का सोर्स यहां पे, समझो यहां पे एक लाइट है, लाइट सोर्स, यहां से लाइट निकला, ओके, यहां पे नॉर्मल है, ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना, ओके, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है वो देखते हैं। स्टेटमेंट बोल रहा है कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है, तब पार्ट ऑफ लाइट वापस डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट कर देता है। स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहा है। देखो हम लोगों ने अभी एक सेकेंड लॉ देखा, फर्स्ट लॉ क्या था, जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है ना, एयर टू वाटर आता है, तो रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। देखो पहला लॉ, हम लोगों ने अभी पहला लॉ सीखा, रेयरर टू डेंसर, ओके, ये तुम्हारा लाइट रे है, इंसिडेंट रे, ओके, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे किसके नजदीक आ गया, नॉर्मल के नजदीक, ये नॉर्मल है, ओके,
ये रिफ्रैक्टेड रे किसके नजदीक आया, नॉर्मल के नजदीक। सेकेंड रूल हम लोगों ने क्या देखा, सेकेंड रूल देखा, जब लाइट रे डेंसर टू रेयर जाता है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम मतलब वॉटर टू एयर पकड़ लो, तो रिफ्रैक्टेड रे कहां पे चला गया, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर चला गया। रिफ्रैक्टेड रे कहां पे चला गया, नॉर्मल से दूर चला गया। तो अभी सेम ये सेकेंड देखो, ये सेकेंड वाला सेम लॉजिक यहां पे लगाओ, सेम लॉजिक यहां पे लगाओ। लाइट रे देखो डेंसर टू रेयर जा रहा है, डेंसर टू रेयर, सही है। लाइट रे कहां से कहां जा रहा है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जा रहा है, तो क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे बैंक्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ये ऐसे चला जाएगा, सही है। ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो ये चीज बेसिकली याद रखना, सेकेंड रूल देखो, लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल से दूर चला जाता है, सही है। देखो ये लॉ अप्लाई किया हमने, सही है। लाइट रे देखो वॉटर टू एयर जा रहा है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जा रहा है, तो रिफ्रैक्टेड रे क्या हो गया, ये नॉर्मल है, तो रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चला गया। हाँ लेकिन देखो, हाँ लेकिन कुछ लाइट वापस डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्ट नहीं रिफ्लेक्ट, मतलब ये तो चला जाएगा ऐसे, लेकिन कुछ लाइट पानी में वापस आ जाती है, कुछ लाइट पानी में वापस आ जाती है, इसे बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्लेक्शन मतलब क्या, मैंने तुम लोगों को बोला था, देखो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन लाइट रे देखो किसी सरफेस के ऊपर गिरा और वापस रिटर्न आया, तो ये होता है रिफ्लेक्शन, इसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर लाइट रे तुम्हारा किसी सरफेस के अंदर चला गया, देखो अंदर चला गया और उसने अपना रास्ता बदली कर दिया, देखो लाइट रे देखो ये सरफेस है, लाइट रे आया और ये सरफेस क्या आर पार चला गया और उसका रास्ता क्या हो गया, बदली हो गया, इसे बोलेंगे रिफ्रैक्शन, ओके। तो पार्शियल रिफ्लेक्शन मतलब क्या, रिफ्लेक्शन की बात चल रही है याद रखना, पार्शियल रिफ्लेक्शन। देखो वापिस एक बार देखते हैं, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, कहां से, डेंसर मीडियम से रेयरर, तो रूल क्या है, सेकेंड रूल, डेंसर टू रेयरर जा रहा है, तो रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, ये नॉर्मल है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। चलो ये तो होने वाला है, लेकिन कुछ लाइट का पार्ट, ये इंसिडेंट लाइट है ना, ये इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट लाइट का कुछ पार्ट पानी में वापस रिटर्न आ जाता है, तो ये क्या हुआ, देखो ये सरफेस है, ये ऐसे आया और ये देखो ये वापस रिटर्न आ रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन। लेकिन ये पूरा रिफ्लेक्शन है क्या, नहीं, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है, क्यों, देखो ज्यादा लाइट कहां पे जा रही है, बाहर ही जाएगी, है ना, ज्यादा लाइट कहां पे जा रही है, पानी में से एयर में जा रही है ज्यादा लाइट, है ना, लेकिन थोड़ी सी लाइट वापिस रिटर्न आ जाती है, पानी में वापिस रिटर्न आ जाती है, तो ये देखो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन, इसे हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन। लेकिन ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होता है, इसीलिए उसे बोला गया है पार्शियल रिफ्लेक्शन। समझा ये टॉपिक अब तक, ये समझा, ओके, आगे, द रेस्ट ऑफ द लाइट गेट रिफ्रैक्टेड एंड गोज इनटू द रेयर मीडियम, वही बोला, देखो ज्यादा लाइट कहां पे जा रहा है, देखो पानी में से एयर में लाइट गया, पानी में से एयर में लाइट गया, देखो यहां पे आया एयर में लाइट आ गया, ज्यादा लाइट एयर में चला जाता है ना, लेकिन थोड़ा सा लाइट वापिस पानी में रिटर्न, रिवर्स मार देता है, रिटर्न आ जाता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे पार्शियल रिफ्रैक्शन, ओके, इसे हम लोग बोलेंगे पार्शियल रिफ्लेक्शन। देखो अभी यहां पे मेन टॉपिक अभी हम लोग चालू करने वाले हैं, यहां पे लिखा है एज लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये अभी हम लोगों ने सेकंड लॉ सीखा, है ना, जब लाइट रे तुम्हारा डेंसर मीडियम से, जब तुम देखो जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है,
डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। तो रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है? देखो ये रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सही है? तो ये तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे क्या हुआ? नॉर्मल से दूर चला गया, वही लिखा है। दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, सही है? देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये देखो ये नॉर्मल लाइन है, इंसिडेंट रे कहां पे? देखो यहां पे इंसिडेंट रे, तो यहां पे एंगल बनेगा, तो ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंट। रिफ्रैक्शन एंगल किधर है? देखो ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो रिफ्रैक्शन एंगल क्या है? आर। तो देख के ही पता चलता है कौन सा एंगल छोटा है और कौन सा एंगल बड़ा है, देखने से पता चलता है। आई स्मॉलर है, एंगल ऑफ इंसिडेंट स्मॉलर है एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है, वही लिखा है। दिस इज शोन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फिगर, यहां पे बताया। ओके, इफ वी इंक्रीज आई आर विल ऑल्सो इंक्रीज। देखो इसका मतलब क्या है, अभी ये हमें सीखना है। ओके देखो ये पहला कंडीशन में अभी ले रहा, ध्यान दो। देखो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, समझ लो। देखो ये नॉर्मल है, ये स्ट्रेट लाइन है नॉर्मल, ये हुआ तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे, ये तुम्हारा है इंसिडेंट रे। ओके तो याद रखना, तो सेकेंड रूल क्या बोला, डेंसर टू रेयरर में जा रहा है लाइट रे, कहां पे जा रहा है? डेंसर टू रेयरर। तो ये रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा? नॉर्मल से दूर चला जाएगा, ये तो ना क्लियर है। अभी समझो तुम्हारा इंसिडेंट एंगल, मतलब ये वाला एंगल 10 डिग्री है, ये एंगल इंसिडेंट एंगल कितना है? 10 डिग्री। तो रिफ्रैक्टिंग, तो हम लोगों को पता है ये केस में एंगल आई छोटा है, एंगल आर बड़ा होगा, सही है? तो ये समझो 40 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आया? 40 डिग्री। अब ये आगे का जो स्टेटमेंट है ना, उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं इजीली। तो मैंने क्या सोचा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना डिग्री है? आई, तो आर थोड़ा ज्यादा होगा, यहां पर लिखा है, देखने से भी पता चलता है कि आर बड़ा है, तो इसको 40 डिग्री लिख लिया। अभी सेकंड केस, अभी मैं क्या कर रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज कर रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्या कर रहा हूं? इंक्रीज कर रहा हूं। समझो ये एक बना दिया मैंने 40 डिग्री एंगल ऑफ, तो ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बना? 80 डिग्री। समझो मतलब क्या है, मुझे क्या एक्सप्लेन करना है, देखो मुझे ये एक्सप्लेन करना है, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाऊंगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा, सही है? सही है, ये लॉजिक याद रखना। देखो मैंने क्या सोचा, देखो फर्स्ट केस में मैंने क्या माना कि तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये जो एंगल जा रहा है, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे जा रहा है, उसने कितने का एंगल बनाया? 10 डिग्री का। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? 40 डिग्री का, है ना? दिखने पे ही दिखता है एंगल आई छोटा है, एंगल आर बड़ा है, इसलिए 40 लिखा। सेकंड केस देखो, अभी मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट को और ज्यादा बढ़ा दिया, समझो वो 40 डिग्री है, तो रिफ्रैक्शन एंगल भी बढ़ेगा, 80 डिग्री होगा। समझो अभी थर्ड केस, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट को और बढ़ा दिया, ये बन गया समझो 50 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया 90 डिग्री, है ना? एक टाइम आएगा ना, बढ़ते 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 वो पूरा ऐसे लाइन को ये लाइन में ही आ जाएगा। ओके तो ये एंगल को बोलेंगे हम लोग क्रिटिकल एंगल। मतलब क्या है, हम लोग जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते जा रहा हूं, तो ये जो रिफ्रैक्शन एंगल है, सॉरी ये रिफ्रैक्टेड रे है, वो पूरा ये पैरेलल बन जाएगा, ये लाइन को ऐसा आ जाएगा, ये लाइन पे आ जाएगा, तो ये एंगल ऑफ, ये एंगल कितने का बना? 90 डिग्री का बना, इसे हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। ओके तो ये रिफ्रैक्शन एंगल क्या बन गया? देखो सही है ना, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है? 50 डिग्री। तो एक टाइम ऐसे आ गया
कि तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे क्या आ गया, ये लाइन पे आ गया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बना, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना ना 90 डिग्री, इसे हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। ये याद रखना, पहले कितना रखा था मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट 10, बाद में 40, बाद में 50, देखो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट में क्या करते गया, बढ़ाते गया, तो रिफ्रैक्शन भी क्या होते गया, बढ़ते गया। तो एक टाइम ऐसे आया कि एंगल ये रिफ्रैक्टेड रे ऐसे चला गया एकदम ऐसे, ये लाइन को, ये लाइन के ऊपर से चला गया, तो ये एंगल कितने का बना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने का बना, 90 का, इसे हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। हाँ, अभी देखो ये तुम्हारा क्रिटिकल एंगल है, ओके। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट को और ज्यादा बढ़ाऊंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट को मैं और ज्यादा बढ़ा दिया, देखो ये कितना हुआ समझो 70 डिग्री, तो ये लाइट क्या, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये ऐसे था, वो अभी कहां पे आएगा, पानी के अंदर आना, देखो ना पहले वो यहां पे था, बाद में यहां पे आया, बाद में वो ऐसे हो गया, अभी वो अंदर आ रहा है, समझे। पहले केस में मैंने बताया था 40 था, देख पहले इंसिडेंट कितना था 10 था, रिफ्रैक्शन कितना था तब 40, बाद में एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना रखा 40, रिफ्रैक्शन 80 था, बाद में 50 रखा तो 90 आया। देखो मतलब क्या हो रहा है, देखो पहला केस में क्या था, ये इंसिडेंट तुम्हारा 10 था, रिफ्रैक्टेड कितना था 40, है ना, ये फर्स्ट केस। सेकेंड केस में क्या था, सेकेंड केस में था ये हम लोगों ने रखा था 50, ओके ये कितना बन गया था 80, रिफ्रैक्शन कितना बना 80, बाद में लास्ट केस में क्या था सर ये 40 रखा था, ओके अभी ये रखा मैंने 50, ये क्या बन गया पूरा 90 बन गया था, है ना पूरा 90 बन गया। देखो फर्स्ट केस में क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट मैंने कितना रखा 10 डिग्री, तो रिफ्रैक्शन कितना 40 डिग्री। सेकेंड में देखो इंसिडेंट मैंने 40 रखा, रिफ्रैक्शन कितना 80। रे ये एग्जांपल दे रहा हूं, ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट में क्या कर रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं 10 के बाद 40, 40 के बाद 50, तो रिफ्रैक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सही है। तो एक टाइम ऐसे आ जाता है कि रिफ्रैक्टेड रे ऐसे स्ट्रेट चला जाता है ना, यहां पे इंसिडेंट रे देखो, इंसिडेंट रे 50 है, एग्जांपल दे रहा हूं 50 है मैंने बढ़ाया, 10 के बाद 40 रखा, 40 के बाद 50 रखा, मतलब इंसिडेंट रे बढ़ाते गया तो रिफ्रैक्टेड रे भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। देखो 40 के बाद 80, 80 के बाद यहां पे 90 आया, 90 कब होगा, रिफ्रैक्टेड रे से स्ट्रेट चला जाएगा तब 90 होगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, ओके। ये रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड एंगल को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। हाँ अभी सोचो कि मैंने ये एंगल ऑफ इंसिडेंट को और ज्यादा बढ़ा दिया, यहां पे 10 था, 40 था, 50 था, अभी मैंने 70 कर दिया, तो देखो रिफ्रैक्टेड रे पहले ऐसे था, बाद में देखा और ज्यादा झुक गया, फिर ऐसे स्ट्रेट हो गया, देखो पहले ऐसे था, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे स्ट्रेट हो गया, अभी वो कहां पे जाएगा, पानी के अंदर, ओके। तो देखो मतलब अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट को और ज्यादा बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंट को मैंने और ज्यादा बढ़ा दिया, तो पानी के अंदर तुम्हारा रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट होगा। देखो ये इंसिडेंट में बढ़ा दिया मैंने, 10 था, 40 था, 50 था, अभी 70 है, बढ़ा दिया, तो ये अंदर आना चालू होगा, तो लाइट रे रिटर्न आने लगा डेंसर मीडियम में, है ना, इसे हम लोग बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कंसेप्ट को हम लोग बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये समझा, ओके, ये मेन टॉपिक है जो अभी हम लोगों ने कवर किया है। ओके, मुझे और एक थोड़ा सा कंसेप्ट तुम्हें बताना है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, मीनिंग क्या है वो देखते हैं। देखो बहुत बार तुम लोग सी फेस पे खड़े रहोगे, मतलब गए रहोगे चौपाटी वगैरह में, तो सूरज उगता है, सूरज डूबता है, बहुत बार देखा रहेगा, तो समझ लो कि ये वो हॉरिजॉन है। हॉरिजॉन मतलब क्या, यहां पे पानी होता है, जहां पे तुम लोग यहां पे खड़े हो समझो, ओके, यहां पे तुम लोग खड़े हो, ये एक बॉर्डर लाइन होता है जहां से दो मीडियम सेपरेट होते हैं, जिसे हॉरिजॉन हम लोग बोलते हैं, ओके। यहां पे तुम लोग बीच में खड़े हो, ऐसे तुम्हें एक लाइन दिखता है,
तो यहां पे होता है पानी और ऊपर होता है एयर। ओके होता क्या है, देखो होता क्या है, देखो सूरज क्या समंदर के अंदर नहीं होता है, सही है, वो स्पेस में, लेकिन हम लोगों को कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है वो, है ना, फिर ऐसे इसके ऊपर आता है ना, ऐसे ऊपर आते जाता है। सन राइज के वक्त की बात कर रहा हूं, तो दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं, देखो है ना, होता क्या है, देखो समझो तुम्हारा जो सन है वो अभी हॉराइजॉन के नीचे है, देखो सनराइज की बात चल रही है, सनराइज, ओके, और एडवांस सनराइज बोला जाता है इसे, एडवांस मतलब क्या है, सूरज उगा नहीं है लेकिन हमें पहले 2-3 मिनट पहले लगता है कि सूरज उग गया है, उसे बोला जाता है एडवांस सनराइज। देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर इसको टेक्निकली एक्सप्लेन करने जाऊं तो बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है, उतना तो है नहीं तुम लोगों को, वैसे देखा जाए जितना सिंपल हो सके उतना बता देता हूं। देखो होराइजॉन, ये है तुम्हारा होराइजॉन लाइन, ओके, ये मतलब जब हम लोग समंदर के पास खड़े होते हैं बीच पे, तो एक लाइन हमें जितना दूर हो सके उतना हमें एक लाइन दिखता है, ऐसे ऊपर तुम्हारा स्पेस मतलब आकाश होता है और यहां पे पानी, ओके। अभी सूरज किधर है, सूरज किधर है, ये लाइन के नीचे है, ऊपर आया है क्या, वो नहीं आया, लेकिन सोचने वाली बात है, सूरज की किरणें तो बहुत दूर तक जाती है, सही है, तो इसकी किरणें तो ऊपर आएंगी, सही है, सूरज किधर है, अभी होराइजॉन के नीचे है, सूरज अभी पानी के नीचे, मतलब पानी के नीचे नहीं, ये जो होराइजॉन लाइन है उसके नीचे है सूरज, लेकिन सूरज की किरणें तो ऊपर आएंगी वो किरणें इतनी होती है कि हमें उसके लाइट से, सूरज के रेज की लाइट से हमें एक ऑल एक कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन दिखता है, वही हमारे आंखों में चला जाता है, क्या बोला समझा मैंने, देखो एक लॉजिक देखो, ये होराइजॉन है उसके नीचे अभी सूरज है, ये होराइजॉन लाइन है उसके नीचे सूरज है, लेकिन सूरज की जो किरणें हैं वो होराइजॉन के ऊपर आ रही है ना, भले वो नीचे है, तो ये जैसे ही एयर में आएंगे, ये किरणें जैसे एयर में आएंगे तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, लाइट रे रिफ्रैक्ट होगा और वो हमारी आंखों में चला जाएगा, तो हमें क्या लगता है, ऐसे सूरज उग गया है, लेकिन एक्चुअल में सूरज किधर है, होराइजॉन के नीचे। ये क्यों होता है, ये होता है क्योंकि सूरज की किरणें ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में आ जाती है, भले सूरज होराइजॉन के नीचे है लेकिन सबसे पहले उसकी किरणें पहुंचती है, उसकी किरणें आ गई देखो एटमॉस्फेयर में, मतलब एयर में उसकी किरणें आ गई, तो एयर में मीडियम चेंज हुआ है ना, सूरज एक्चुअल में कहां पे है, वैक्यूम में, स्पेस में, और कहां पे आ रही है किरणें, अपने अर्थ पे मतलब एयर में, तो क्या होगा देखो किरणें आ गई तो रिफ्रैक्शन होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, वैक्यूम टू एयर, तो क्या होगा रिफ्रैक्शन, तो वो रिफ्रैक्टेड राय हमारी आंखों में चली जाती है, तो बहुत सारी लाइट हमारी आंखों में चली जाती है, तो हमें ऐसे शेप दिखने लगता है, तो हम लोग बोलते हैं कि चलो सूरज उग गया, लेकिन सूरज उगा नहीं होता था, ओके, सूरज अभी भी कहां पे है, नीचे है, सूरज अभी भी नीचे है, उसकी किरणों की वजह से एक शेप तैयार होता है ऐसे रिफ्रैक्शन होने के बाद तो वो हमारी आंखों में चला जाता है, तो हम लोग बोलते हैं सूरज उग गया, इसे बोलेंगे हम लोग एडवांस सनराइज। अभी उल्टा कर दो अभी इसको उल्टा कर देते हैं, डिलेड सनसेट, डिलेड सनसेट, होता क्या है देखो, समझो सूरज पहले यहां पे है, फिर यहां पे आया, अभी समझो यहां पे आया, देखो ये पानी है यहां पे, देखो पहले कहां पे था, ऊपर, अभी नीचे आया, अभी और नीचे आ गया, ओके, अभी वो पूरी तरह से चला गया होराइजॉन के नीचे, ये होराइजॉन लाइन है उसके नीचे चला गया सूरज। देखो डिलेड सनसेट मतलब क्या है कि ऑलरेडी सनसेट हो गया है लेकिन हमें थोड़ा लेट पता चलता है, क्यों, वो एक्सप्लेन कर रहा हूं,
देखो ये हॉराइजॉन लाइन है, ये पानी है यहाँ पे और यहाँ पे ऊपर समझो एयर, ओके। ये हॉराइजॉन के नीचे चला गया, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा हूं। देखो भले सूरज नीचे चला गया लेकिन उसकी किरणें तो ऊपर आती रहेंगी, सही है, उसकी किरणें तो ऊपर आती रहेंगी। तो ये देखो ये वैक्यूम, देखो सूरज है किधर, एक्चुअल में वैक्यूम में, वैक्यूम से क्या पे आ रहा है, एयर में रेज आ रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो हमें क्या होता है बाद में, देखो ये शेप, ऐसा एक शेप दिखाई देने लगता है। एक्चुअली सूरज किधर गया है, हॉराइजॉन के नीचे चला गया वो, लेकिन उसकी किरणों की वजह से क्या होता है, ये शेप दिखाई देता है ऐसे। तो हमें लगता है कि सूरज अभी डूबा नहीं है, जैसे जैसे सूरज ऐसे और नीचे चला जाएगा उसकी किरणें भी वैसे वैसे और नीचे आती जाएंगी और रिफ्रैक्शन बंद हो जाएगा, तो हम लोग इसे बोलेंगे डिलेड सनसेट, ओके। ये चैप्टर के ये मेन दो बचे थे जो मैंने अभी कंप्लीट कर दिए हैं, जैसे रेनबो फॉर्मेशन वगैरह तो एक्सप्लेन कर दिया था, वो वीडियोज में एक्सप्लेन कर दिया था, ओके। यहां पे तुम्हारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, ओके, ठीक है।